व्हाट्सअप यूट्यूब, मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हो बीस्ट फिटनेस। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिख रहा होगा आपको रेड कलर का बटन, वहां पे क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फोन पे। डेली अपलोड करता हूं मैं वीडियो फिटनेस रिलेटेड, आप और हम मजा ना आए, आप जुड़ जाएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें समीर खान फिटनेस 0786 के नाम से अकाउंट है, फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डायरेक्ट पहुंचोगे और मुझे फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस आज हम मेनली टॉपिक कन्फ्यूजन के टॉपिक में बात करेंगे। गाइस मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी लेब्राडा मसल मास गेनर के ऊपर, लेब्राडा मसल मास गेनर के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने रिव्यू बताया था कैसा क्या है सब कुछ उसमें बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उस वीडियो का, तो उसको आप देख सकते हो। तो बस आज वीडियो हमारी लेब्राडा मसल मास गेनरी के ऊपर है, लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों की रहती है कि हम गेनर लें कितना एक दिन में। ये गाइस बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बन चुकी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, कमेंट्स भी आए कि भाई मैं कितना लूँ एक दिन में। तो गाइस ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि किसको कितना लेना है लेब्राडा मसल मास गेनर गाइस, क्योंकि स्कूप में चेंजिंग रहती है हर एक गेनर की। तो आज मैं लेब्राडा मसल मास गेनर के ऊपर बता रहा हूँ, तो बाकी गेनर पे ना ले जाए, सिर्फ लेब्राडा मसल मास गेनर। तो चलो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ, ये रहा गाइस देखो प्रोडक्ट, ठीक है गाइस ये प्रोडक्ट है हमारे पास लेब्राडा मसल मास गेनर। क्योंकि गाइस गेनर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं, गेनर कौन लोग लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं गाइस, जो वजन को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी वजन बढ़ा देता है। क्योंकि गाइस वजन बढ़ाने के लिए हमें बहुत हैवी डाइट लेना पड़ती है, कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ता है, तब हमारा वेट गेन होता है। और इतनी डाइट गाइस कोई खा ही नहीं पाता है, इतना किसी को भूख ही लगती है इतनी, तो उनका वेट इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप इसको ऐड करें, डाइट को ऐड करें, क्योंकि गाइस बिना डाइट के कुछ नहीं होगा, डाइट आपको लेना पड़ेगी, फिर आपका ये काम करेगा आपकी बॉडी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहले गाइस आपको स्कूप दिखा दूं इसका, फिर उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको कितना लेना है एक दिन में। तो गाइस ये मैंने ओपन किया और ये गाइस ये देखो इसका जो स्कूप है वो और गेनरों से बहुत ज़्यादा छोटा है। कहने का मतलब और गेनर के जो स्कूप आते हैं वो इतने बड़े बड़े आते हैं, इसका साइज थोड़ा सा कम है, ये लगभग 35 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा, 30-35 ग्राम का ये स्कूप है, 35 ग्राम का। तो अब गाइस ये मेरे पास स्कूप था, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना कितना है। पहले गाइस फैक्ट के बारे में बात कर लें, जो कंपनी क्या कहती है पीछे जो है, तो गाइस जो ब्रांड कहती है, ब्रांड वाले कहते हैं अगर आप 9 स्कूप लो एक दिन में, जितना मैंने आपको दिखाया वो बोल रहे हैं 9 स्कूप एक दिन में लो तो 340 ग्राम के आपके बनेंगे, ठीक है गाइस। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें गाइस आपको 1265 कैलोरीज मिलेगी, ठीक है गाइस। आपको फैट मिलेगा 4.5 ग्राम यानी 6%, सेचुरेटेड फैट गाइस 2 ग्राम यानी 10%, और गाइस कोलेस्ट्रॉल आपको 60 mg मिलेगा यानी 20%, और गाइस आपको सोडियम और कार्बोहाइड्रेट्स में सोडियम 310 mg, गाइस कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट गाइस इसमें 250 ग्राम यानी 85% कार्बोहाइड्रेट इसमें अवेलेबल है। बाकी गाइस डाइट्री फीवर भी है 5 ग्राम और शुगर गाइस 20 ग्राम है, जो शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, बट 20 ग्राम कम है, जब इनके हिसाब से आप 9 स्कूप ले रहे हो तब 20 ग्राम है, ठीक है गाइस। और प्रोटीन इसमें 52 ग्राम है, बाकी गाइस विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब चीजें इसमें है। कहने मतलब है गाइस कैलोरी, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, ये चार चीजें इसमें मेनली देखने वाली हैं। तो गाइस अब मैं हम बात करें क्या करना है। देखो गाइस सबसे पहले बात करें अंडरवेट वालों की, जिनका वजन अंडरवेट है, मतलब एज ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, वजन कम है, या लंबाई ज्यादा है वजन कम है, तो उनकी हम बात करें। तो गाइस अंडरवेट वालों को क्या करना है, जिनको बहुत ही ज्यादा वजन जिनका कम है उनको एक दिन में गाइस कम से कम उनको 6 स्कूप अराउंड डेट लेना है, 9 स्कूप तब भी लेना है, क्योंकि गाइस एकदम से आप इतने सारे जब स्कूप लोगे लिख देते हैं वो, तो आपका क्या होगा एकदम से आपके पेट में वो होगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा उसके सामने, क्योंकि एकदम से आप कैलोरीज नहीं ले रहे हो। जब आप एकदम से कैलोरीज अपनी बॉडी में डालोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा, तो आपको हो सकता है कि आपके पेट में दिक्कत आ जाए। तो गाइस 6 स्कूप आपको लेना है जितने मैंने दिखाई ये, अब उसको लेना कैसे है गाइस, देखो गाइस 6 स्कूप में आपको क्या करना है, आप उसको 3 टाइम में डिवाइड कर लें। कहने का मतलब है 2 स्कूप आप लें यानी ब्रेकफास्ट के बाद सुबह, ठीक है गाइस, और फिर 2 स्कूप आप जिम के बाद करें, 4 हो गए, और 2 सोने से पहले करें। अगर आप सुबह के टाइम जिम करते हो गाइस तो जिम के बाद गेनर आपको लेना है, ठीक है गाइस, और फिर आपको दोपहर के टाइम एक बार लेना है, और फिर सोने से पहले लेना है। गाइस सोने से पहले गेनर आपको शाम में जिम करते हो तो लेना है, सुबह करते हो तो लेना है, इसलिए क्योंकि सोते टाइम अगर आप
गेनर का यूज करोगे तो रात भर आपकी बॉडी में धीरे धीरे प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है, तो रात भर आपकी बॉडी में ये प्रोवेशन होगा, ठीक है गाइस। तो आपका वेट बढ़ने में बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आपकी बॉडी रात में रिकवरी में होती है, रिलैक्स फील में होती है, आप सो रहे होते हो, कोई थकान नहीं, आपकी कैलोरीज बाहर भी नहीं आती हैं, ओनली ऑन जाती हैं। तो गाइस ध्यान रखना है, आपको सोते टाइम आपको लेना ही लेना है, जिम के बाद भी आपको लेना ही लेना है, बस सुबह जो जिम जाते हैं उनका दोपहर को आ जाएगा, और जो शाम को जिम जाते हैं उनका सुबह आ जाएगा, एक टाइम एक्स्ट्रा। तीन टाइम आप करेंगे गाइस, दो दो करके उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लें, तो आपके 6 स्कूप बन जाएंगे गाइस। तो 6 स्कूप में आप समझ लो, इसमें आपको 800 से 900 कैलोरीज मिल जाएंगी। जब गाइस 800 से 900 कैलोरीज आप इससे ले लोगे, फिर आपकी बाकी डाइट से ले लोगे आप। तो यानी अगर आप डाइट से अपनी गाइस अभी 2000 कैलोरीज ले रहे हो, फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, और आपको कैलोरी सरप्लस पे जाना है, तो अगर आपको कैलोरी सरप्लस पे जाना है तो आपको कैलोरीज लेना पड़ेंगी। तो गाइस आप वैसे ही 2000 कैलोरीज की डाइट ले रहे हो सपोज डैट, और फिर आप और कहाँ से खा लोगे? तो आप जैसे 2000 कैलोरीज की आपने डाइट ले ली, जितना मैंने बताया इसको लिया, तो गाइस क्या हुआ, आपका 800-900 कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी, तो आप अपने आप सरप्लस पे चलेगा, तो वो 2800 से 30,000 कैलोरीज हो गई, तो आप वैसे ही चले गए, तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो गाइस दो दो करके तीन पार्ट में डिवाइड करें, और गाइस लेना कैसे है अब मैं बात करेंगे, उसको पानी के साथ लेंगे, दूध के साथ। तो गाइस देखो, सोने से पहले आपको दूध के साथ लेना है, और जो एक्स्ट्रा टाइम एक अदर ले रहे हो वो भी दूध के साथ लेना है, बस गाइस जिम के बाद आपको पानी के साथ लेना है, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्ट होता है, दूध भी स्लो डाइजेस्ट होता है, दोनों स्लो डाइजेस्ट डाइजेस्ट जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो आपको जिम के बाद आपको पानी के साथ गाइस इसको लेना है, सुबह जिम करते हो तो पानी के साथ जिम के बाद, और शाम को जिम करते हो जिम के बाद तो पानी के साथ, और जो दो टाइम एक्स्ट्रा लोगे वो दूध के साथ लेना है। कहने का मतलब गाइस सिर्फ जिम के बाद पानी के साथ, और अदर दो टाइम दूध के साथ, दो दो करके गाइस इसको डिवाइड कर लें 6 पार्ट में, स्कूप मतलब दो लें, फिर थोड़ा सा गाइस गैपिंग भी दें, जैसे 11 बजे आपने ब्रेकफास्ट के बाद 2 स्कूप ले लिए, फिर गाइस आप शाम को जिम के बाद लें, फिर सोने से पहले आप 10-11 बजे के समथिंग लें, और उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद सो जाएं थोड़ा सा टहल के, ठीक है। और सुबह की जिम की बात करें, तो जिम के बाद आपने 2 स्कूप लिए, फिर आप गाइस जैसे आपने 6-7 बजे ले लिया सुबह जिम के बाद 2 स्कूप, फिर गाइस आप पानी के साथ आपने ले लिया, फिर दूध के साथ आपको लेना है गाइस दोपहर के, सुबह जिम वालों की बात कर रहा हूँ, फिर आपको लेना है 1 से 2 बजे के टाइम, थोड़ा सा आपको गैपिंग मिल गई, फिर आपको सोते टाइम लेना है। तो गाइस दोनों कैटेगरीज में बात हो गई, सुबह का भी बता दिया, शाम को भी बता दिया, कितना आपको लेना है, 6 स्कूप लेना है, इससे ज़्यादा ना जाएं, इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में थोड़ा सा हो सकता है डाइजेस्ट सिस्टम आपका खराब हो जाए, तो आपको थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो सकती है। 6 स्कूप लें गाइस, दो दो पार्ट में करके लें, एक बार में भी ना लें कि एक बार में 3 ले लिए, दो दो करके उसको थोड़ा सा डिवाइड करें, और दूध और पानी के साथ लें, जिम के बाद पानी, और अदर टाइम दो टाइम दूध के साथ। तो बस ये थी आज की लिबरल और मसल मास गेनर से जुड़ी कुछ कन्फ्यूजन, जिसको लेने का टाइम नहीं पता था, लोगों को कितने स्कूप लेना है वो नहीं पता था, क्वेश्चन पूछते थे, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, और अभी भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, मैं उसको दूर कर दूंगा। तो गाइस लेब्राडा मसल मास गेनर का मैंने बताया, क्योंकि इसके स्कूप से हिसाब से बताया, बाकी गेनर के स्कूप बहुत बड़े आते हैं, हीपिंग स्कूप रहते हैं वो, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको दिख रहा होगा बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फोन पे। और ये रहा अकाउंट इंस्टाग्राम का, यहाँ पे आ जाओ फटाफट से फॉलो करो, और क्वेश्चन पूछो फिटनेस से रिलेटेड, लेब्राडा मसल मास गेनर से रिलेटेड, आपकी कन्फ्यूजन रिप्लाई देके तुरंत दूर हो जाएगी। तो फॉलो करें और क्वेश्चन पूछें, और गाइस लेना कितना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, 9 स्कूप ना लें, सिर्फ 6 स्कूप, दो दो करके, दो टाइम दूध के साथ, जिम के बाद पानी के साथ, और आपको 6 स्कूप से ज़्यादा नहीं लेना है किसी की बातों में ना आए। तो मिलेंगे गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।